इस सो कॉल्ड कुतुब मीनार के कॉम्प्लेक्स में ये जो परिसर है, आज जिसे कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद कहते हैं, इसके बारे में यहाँ साफ साफ लिखा है कि इसे 27 हिंदू जैन मंदिरों को तोड़कर बनाया गया है। लेकिन आज भी इन मंदिरों के कुछ बचे कुछ आर्किटेक्चर की बदनसीबी ऐसी है कि यहाँ आज भी भगवान गणेश की प्रतिमा को नीचे पैरों में रखकर उनका अपमान किया जा रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं इन 27 मंदिरों का रहस्य और कुतुब मीनार की सच्चाई। इस तथाकथित कुतुब मीनार के कॉम्प्लेक्स में एंट्री करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ से टिकट लेनी होती है, और जब यहाँ से हम कॉम्प्लेक्स में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले हमारा ध्यान जाता है इस विशाल निर्माण पर जिसे अलाई मीनार कहते हैं। कहते हैं कि इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू करवाया था, लेकिन पहली मंजिल का काम भी पूरा नहीं हुआ और अलाउद्दीन खिलजी की मौत हो गई। दोस्तों, ये वही अलाउद्दीन खिलजी है जिसने चित्तौड़ की रानी पद्मावती पर बुरी नजर डाली, और जब पद्मावती ने महल की अन्य दूसरी स्त्रियों के साथ जौहर कर लिया तो अलाउद्दीन ने चित्तौड़ में भारी नरसंहार किया था। इतिहास की किताबों में दर्ज है कि पद्मावती के जौहर के बाद खिसियाए अलाउद्दीन ने करीब 30,000 राजपूतों का कत्ल किया और हजारों स्त्रियों और बच्चों का बलात्कार किया। अब आप सोचेंगे कि कुतुब मीनार दिखाते हुए ये मैं अलाउद्दीन का इतिहास क्यों बताने लगा, तो वो इसलिए क्योंकि वो अलाउद्दीन खिलजी भी कुतुब मीनार के इसी परिसर में दफन है। उसका मकबरा भी देखेंगे, लेकिन अभी हम बात करते हैं इस अलाई मीनार की। तो इतिहास में बताया जाता है कि अलाउद्दीन की मौत के बाद उसके उत्तराधिकारियों ने इसे बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, इसलिए ये कभी पूरा नहीं बन पाया। लेकिन क्या सच में उन्होंने दिलचस्पी नहीं दिखाई या फिर सच कुछ और ही था, अभी जानेंगे। लेकिन पहले हम कुतुब मीनार और कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद देख लेते हैं। ये गगनचुंबी स्तंभ जिसे आज कुतुब मीनार कहते हैं, दूर से देखने पर यह इस्लामिक संरचना दिखाई देती है क्योंकि इस पर कुरान की आयतें लिखी गई हैं। लेकिन इसका सच जानने के लिए हमें इसके थोड़ा सा नजदीक जाना होगा। आज मैं ऐसा कुछ भी नहीं दोहराने वाला जो हमें वामपंथी इतिहासकारों की किताबों में पढ़ाया गया है। हम केवल उन साक्ष्यों पर बात करेंगे जो यहाँ इस परिसर में बिखरे पड़े हैं। कुतुब मीनार के पास ही कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है। हिंदी में कुव्वतुल इस्लाम का मतलब होता है इस्लाम की शक्ति, लेकिन ये वो शक्ति है जो यहाँ इस परिसर में मौजूद बहुमूल्य हिंदू आर्किटेक्चर और एस्ट्रोनॉमिकल नॉलेज की विरासत को नष्ट करके दिखाई गई है। जब हम इस मस्जिद में एंट्री करते हैं तो यहाँ पर बने बरामदों के स्तंभों पर हिंदू जैन आर्किटेक्चर दिखाई देता है। यहाँ इन स्तंभों पर घंटियाँ, सिंहमुख, रामायण के दृश्य और अन्य कलाकृतियाँ आप साफ देख सकते हैं, जो किसी भी मस्जिद में नहीं हो सकते। और यही घंटियाँ आप कुतुब मीनार पर भी देख सकते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोई भी मुस्लिम शासक मस्जिद या अपने किसी भी स्थापत्य में घंटियां नहीं बनवा सकता, क्योंकि इस्लाम के अनुसार घंटियां शैतान की आवाज़ हैं। साथ ही खंडित प्रतिमाओं के इन खाली स्थानों को देखकर भी समझा जा सकता है कि यहां पर पहले कभी देव प्रतिमाएं हुआ करती थी, और यहां से इनका नामो निशान मिटाने की कोशिश की गई है। साथ ही यहां परिसर में ही बिखरी हुई अन्य देव प्रतिमाओं को भी साफ साफ देखा जा सकता है। क्या इस तरह की प्रतिमाएं किसी मस्जिद के परिसर में हो सकती हैं? इनके अलावा आप यहां पर भगवान गणेश की प्रतिमा भी देख सकते हैं। इसलिए देखा जाए तो कुतुब मीनार और ये मस्जिद इस्लाम के विरुद्ध हैं, लेकिन इन आक्रांताओं ने अपनी जिद पर अड़कर इस्लाम के खिलाफ जाकर मंदिरों में ही फेरबदल करके मस्जिदें बनवा दी। इस परिसर की सबसे खास चीज है यहाँ स्थापित ये लोह स्तंभ, जिसे गरुड़ स्तंभ भी कहा जाता है। संभवतः पहले इस पर गरुड़ की प्रतिमा विराजमान थी। गरुड़ को भगवान विष्णु की सवारी के रूप में जाना जाता है। इसकी खासियत यह है कि यह लोह स्तंभ कम से कम 1700 साल पुराना है,
और इतना समय इसने इस तरह खुले आसमान में बारिश और तूफान सब कुछ सहते हुए गुजारा है। लेकिन आश्चर्य ये है कि इतने शताब्दियां बीत जाने के बाद भी ये स्तंभ आज तक पूरी तरह सही सलामत खड़ा है, और ये आज के वैज्ञानिकों के लिए भी आश्चर्य का विषय है, क्योंकि उनके अनुसार तो इस लौह स्तंभ को कई शताब्दियों पहले ही जंग लगकर इसका पाउडर हो जाना चाहिए था। लेकिन इस पर तो अभी तक कहीं जंग का नामो निशान तक नहीं है। ये विश्व की एकमात्र इतनी पुरानी लोहे की संरचना है जो आज तक ज्यों की त्यों है। इस पर आप संस्कृत भाषा में खुदा हुआ एक अभिलेख देख सकते हैं। इसका हिंदी अनुवाद भी यहीं पास की दीवार पर आप देख सकते हैं, जो कि 1 जनवरी 1903 को यहाँ पर लगाया गया था। इस पर लिखा है कि जिसके भुजा पर खड्ग ने कीर्ति लिखी, जब उसने बंग देश की लड़ाई में इकट्ठे होकर आए हुए शत्रुओं को छाती से धकेलकर पराजित किया, जिसने लड़ाई में सिंधु की 7 धाराओं को पार करके वालिकों को जीता, जिसके बलरूप वायु से आज तक भी दक्षिण समुद्र सुगंधित हो रहा है, जो राजा मानो थककर इस लोक को छोड़कर दूसरे लोक को चला गया है और शरीर से अपने कर्मों से जीते हुए स्वर्ग में चला गया, परंतु कीर्ति से इसी भूमि पर विद्यमान है, जिसने पृथ्वी में भुजबल से चिरकाल तक चक्रवर्ती राज्य प्राप्त किया, जिसका नाम चंद्र है, जिसके मुख की छवि पूर्ण चंद्रमा जैसी है, उस भूप ने भक्ति से अपने मन को विष्णु में लगाकर विष्णुपद नामक पहाड़ पर ये भगवान विष्णु का ऊंचा ध्वज स्थापित किया। दोस्तों, इतिहासकार मानते हैं कि यहाँ पर जिस राजा चंद्र का उल्लेख है वो गुप्तवंशी राजा चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य है। अब हम जानते हैं कि ये पूरा परिसर जिसमें ये कुतुब मीनार और ये मस्जिद है, असल में ये क्या था। दोस्तों, जिस स्थान पर ये परिसर है उस गांव का नाम मेहरौली है, जो कि प्रसिद्ध खगोल शास्त्री और गणितज्ञ वराह मिहिर के नाम पर पड़ा है। इसका नाम पहले मिहिरालय हुआ करता था और फिर अपभ्रंश होकर मेहरौली बना, और ये जो वराह मिहिर थे ये इन्हीं राजा चंद्रगुप्त जिनका इस लौह स्तंभ में उल्लेख है, इनके नवरत्नों में से एक थे। दोस्तों, ये जो वराह मिहिर है ये वो खगोल शास्त्री है जिन्होंने सबसे पहले ये कहा था कि पृथ्वी में कोई ऐसी शक्ति है जो हमें इससे चिपकाए रखती है, और अब हम इस शक्ति को गुरुत्वाकर्षण शक्ति के नाम से जानते हैं। जब आप वराह मिहिर की उपलब्धियां पढ़ेंगे तब आप जानेंगे कि आश्चर्य में डालने वाला ये जो लौह स्तंभ है ये भी इन्हीं की देखरेख और निर्देशन पर तैयार हुआ है। तो राजा चंद्रगुप्त ने वराह मिहिर के खगोल अध्ययन और नक्षत्रों को देखने के लिए मेहरौली में इस विशाल स्तंभ का निर्माण करवाया था, और ये संयोग बिल्कुल भी नहीं है कि नक्षत्रों की संख्या भी 27 है और कुतुब मीनार में बने झरोखों की संख्या भी 27 है। और जैसा कि यहाँ पर उल्लेख है कि इस कुतुब मीनार के चारों तरफ बने इन हिंदू जैन मंदिरों की संख्या भी 27 थी, जो कि इन्हीं नक्षत्रों को समर्पित थे। इससे साफ है कि ये स्थान कुछ और नहीं बल्कि महान खगोल शास्त्री वराह मिहिर की वेधशाला यानी ऑब्जर्वेटरी हुआ करती थी, और ना सिर्फ वेधशाला बल्कि यहाँ पर खगोल शास्त्र की पाठशाला भी चला करती थी। और चूंकि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हिंदू और जैन दोनों धर्मों को मानते थे, इसलिए इस वेधशाला और इसके मंदिरों पर हिंदू जैन स्थापत्य साफ दिखाई देता है। लेकिन बाद में कुतुबुद्दीन ने इन मंदिरों को तोड़कर उन्हें मस्जिद का रूप देने का असफल प्रयास किया, और इस अद्वितीय संरचना पर घंटियों और फूलों के बीच में ये आयतें घुसेड़कर इसे मुस्लिम संरचना दिखाने की कोशिश की है। कई मुस्लिम स्कॉलर्स ने भी ये माना है कि कुतुब मीनार पर जो आयतें लिखी हैं उनमें बहुत सी अशुद्धियाँ हैं, इनमें से कई का तो कोई अर्थ ही नहीं बनता, और ऐसा लगता है कि इन्हें जल्दबाजी में यहां पर उकेरा गया है। अब आपको लेकर चलते हैं इसी परिसर में आगे,
यहाँ है अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा। ये दाहिनी तरफ का हिस्सा अलाउद्दीन का मदरसा कहलाता है, जो कि गुप्तकाल में खगोल शास्त्र का स्कूल हुआ करता था। और यहाँ जो ये आप कब्र देख रहे हैं, इसी कब्र के नीचे वो शख्स दफन है जिसने ना सिर्फ चित्तौड़ में बल्कि देश भर में भारी कत्लेआम और हाहाकार मचाया था। और आज भी ये 7 शताब्दियों से इस बहुमूल्य स्थान पर इतनी जगह घेरे दफन है। इसी कब्र के समानांतर जब हम नॉर्थ की तरफ चलते हैं तो यहाँ पर आता है इल्तुतमिश का मकबरा। दोस्तों, आपने पहली महिला सुल्तान रजिया का तो नाम सुना ही होगा। वो रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की ही बेटी थी। और ऐसा नहीं है कि ये दो ही कब्रें यहाँ पर हैं, इनके अलावा भी और भी बहुत सी कब्रें आपको इस पूरे परिसर में जहाँ तहाँ बिखरी हुई मिल जाएंगी। और जैसा कि कहते हैं कि इल्तुतमिश ने ये मकबरा अपने जीते जी ही बनवा लिया था, तो बात ऐसी है कि ये 4 दीवारियाँ और यही नहीं, इल्तुतमिश के करीब 100 साल बाद के अलाउद्दीन का जो मकबरा है, ये दोनों एक ही सीध में बने हैं। और इन्हें देखकर ही पता चल जाता है कि ये कमरे पूरी प्लानिंग के साथ एक साथ तैयार किए गए थे। बाद में बस इन सुल्तानों की कब्रें इन कमरों में गाड़ दी गई। तो जब आप ये इल्तुतमिश का मकबरा देखेंगे तो आपको बहुत कुछ समझ आ जाएगा। यहाँ भी घंटियाँ और दूसरी हिंदू डिज़ाइन तो हैं ही, लेकिन इनके अलावा भी आपको यहाँ पर कुछ और भी दिखाई देता है। असल में दिखाई नहीं देता है, और जो दिखाई नहीं देता है वो है इस मकबरे का गुंबद। और ऐसा नहीं है कि इन दीवारों पर कभी गुंबद लगाया ही नहीं गया। दरअसल गुप्तकाल की ये दीवारें तो आज भी ज्यों की त्यों खड़ी है, लेकिन जब इस कमरे को मकबरे का लुक देने के लिए इसकी छत हटाकर गुंबद लगाया गया तो वो गुंबद कुछ ही सालों में गिर गया। उसके बाद फिरोज शाह ने इस पर फिर से गुंबद लगवाया, लेकिन वो गुंबद भी नहीं टिक सका। तो हिंदू स्थापत्य का तो लोहे का स्तंभ भी 17 शताब्दियों से बिना जंग खाए खड़ा है, लेकिन इन सुल्तानों का स्थापत्य तो असल में ऐसा था कि वो ऐसा एक गुंबद भी ना बना सके जो इन दीवारों पर एक आधी शताब्दी भी टिक सके। तो क्या आपको लगता है कि वे ऐसी मीनार बना सकते हैं जो इतनी शताब्दियों से ज्यों की त्यों खड़ी है? ये जो अलाई मीनार हमने देखी थी उसे बीच में छोड़ देने का कारण भी यही था, क्योंकि ये सब उन सुल्तानों के बस की बात नहीं थी। और अलाउद्दीन के 30 साल बाद जब फिरोज शाह गद्दी पर बैठा और देखा कि इल्तुतमिश के मकबरे का तो गुंबद ही गिर चुका है, तो उसने फिर से नया गुंबद लगाया। तो क्या तब उसे ये आधी अधूरी अलाई मीनार नहीं दिखी थी? ऐसी मीनार जिसके विशाल बेस से ही पता चल जाता है कि यह संरचना कुतुब मीनार से भी करीब 2-3 गुनी ऊंची होती। अगर इसे बनाया जाता तो इतिहास में उसका नाम ही अमर हो जाता। पर उसने या किसी और ने इसे पूरा क्यों नहीं करवा लिया? इसलिए नहीं करवाया क्योंकि इतना ही बनवाकर वो समझ चुके थे कि उनसे नहीं हो पाएगा। तो सच ये है कि यह पूरा परिसर वराह मिहिर का खगोल विद्या का केंद्र था, जिसे सुल्तानों ने तोड़ मरोड़ कर ना सिर्फ इस्लामिक लुक देने की कोशिश की, बल्कि पूरे परिसर में जगह जगह कब्रें खोद कर यहीं दफन भी हो गए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप सहमत हैं तो इसे शेयर करें। और वीडियो के अंत में मैं पुरातत्व विभाग से इस प्रतिमा के लिए प्रार्थना करूँगा कि कृपया भगवान गणेश की इस प्रतिमा को नीचे पैरों में से उठाकर किसी ऊंचे पत्थर या चबूतरे पर सहसमान रखा जाए। धन्यवाद।